हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, नववर्ष 2020 में महाशिवरात्रि कौन से दिन से शुरुआत हो रही है? 21 या 22 फरवरी? आपको बताएंगे बिल्कुल सही और सटीक जानकारियां। और शिव पूजा में आप कौन सी गलतियां ना करें, आपको तीन ऐसे विशेष रूप से गलतियों के बारे में या फिर आपके भूल के बारे में आपको बताएंगे, जो विशेष रूप से शिव भगवान भोलेनाथ महादेव की पूजा करते हुए आपको नहीं करने चाहिए। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में महाशिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व है और सबसे बड़े पर्वों में से एक पर्व माना गया है। इस दिन शिव भक्त शिव मंदिरों में महादेव की आराधना करके जलाभिषेक करते हुए शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व करते हैं। और शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। प्राचीन काल के अनुसार ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात का त्योहार होते हैं और इस रात आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। बहुत से लोगों में साल 2020 महाशिवरात्रि तिथि को लेकर विशेष रूप से काफी संकोच दिख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको साल 2020 महाशिवरात्रि पर्व का सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा में बरतनी जाने वाली सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि नववर्ष 2020 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 21 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 21 फरवरी शुक्रवार शाम के 5:20 पर। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि 22 फरवरी शनिवार शाम के 7:02 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होने वाली है। इसके साथ साथ निश्चित काल पूजा का समय रात्रि के 12:09 से 1 बजे तक रहने वाले हैं। मित्रों, पूजा की कुल अवधि कुल 51 मिनट की होने वाली है और महाशिवरात्रि पारण का समय 22 फरवरी शनिवार सुबह 6:54 से शाम के 3:25 तक रहने वाली हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि पर रात्रि को पूजा में ध्यान रखते हुए 21 फरवरी के दिन यह पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद शिव मंदिर जाकर विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निश्चित काल में करें। हालांकि रात्रि के चारों पहर में आपको अपनी सुविधा के अनुसार पूजन करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि का श्रद्धा के साथ अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा के समय आप शिव पंचारण मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। अंत में शिव आरती और परिक्रमा कर लें। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर और गंगा जल से अभिषेक करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती हैं और सारे व्यक्ति सही समय पर अपने जीवन में वो अपना भाग्योदय कर सकेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व में आप तरह तरह के कार्यों को कर सकते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत के नियम कौन से हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करना कब चाहिए, इसको लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि चतुर्दशी तिथि पहले ही दिन आपको पड़ती है तो उसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। रात्रि का 8वां मुहूर्त निश्चित काल कहा जाता है और महाशिवरात्रि का व्रत ही बहुत ही मंगलमय होता है।
यह व्रत जीवन पर्यंत किया जाता है, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो 14 वर्ष के बाद पूर्ण विधि विधान के साथ इसका उद्यापन कर लेना आवश्यक होता है। रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए काफी आवश्यक माना गया है। पूजा विधि आपको पूर्ण रूप से करनी चाहिए। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका दिन शुभ हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, जय मां विंध्यवासिनी।